हेलो एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं बता दूं आपको कि हम आज जो है फिर से केस स्टडी डाइजेस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ को डिस्कस करने के लिए आए हैं, जिसके बहुत सारी क्वेरीज़ या फिर बहुत सारे दोस्त जो थे वो डिस्कस करना चाहते थे मेरे साथ। तो उसमें से एक केस स्टडी जो थी केस स्टडी नंबर 1 थी, और वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वही तरीका है हमारा पढ़ने का। हम फटाफट से मैं आपको बता दूंगा कि इस केस स्टडी में क्या है, हर पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, और फटाफट से हम जो है केस स्टडी सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारी केस स्टडी, बहुत ही अच्छी केस स्टडी है। मैं इसको स्टार मार्क करता हूँ, ये पूछा जा सकता है, ऐसा टाइप का पूछा जा सकता है, लेकिन ईजी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से हम इसको खत्म करते हैं, लेकिन सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप इसको इग्नोर मतलब आप जवाब गलत कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, मैंने कोशिश करी थी कि डायरेक्टली मैं इसके साथ जो था MCQs को पढ़ लूं और उसके बाद आपको जवाब दे दूं, तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बिल्कुल भी ना आपके लिए फ्रूटफुल है ना मेरे लिए, इतना सारा टाइम लगा के रीड करके बताना फ्रूटफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको समझ ही ना आए और आपको केस स्टडी खुद से फिर से पढ़नी पड़ी तो क्या फ़ायदा आपको मेरी वीडियो देखकर, तो डबल टाइम लगेगा। तो इस केस में हम क्योंकि मेजरली 99% क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली लिंक है केस स्टडी से, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें केस स्टडी पढ़नी ही पड़ेगी, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको छोड़ सकें, ठीक है। तो आइए मैं फटाफट से बता देता हूँ आपका टाइम बचाने के लिए कि क्या है। सबसे पहला इसके अंदर क्या बोला गया, मिस्टर नटवल है, एक मिस्टर नटवल है, मिस्टर नटवल है जो एक एग्रीकल्चरिस्ट है और एंटरप्रेन्योर है। मिस्टर अटवल की जो फैमिली है वो जो है वो AAPL करके कंपनी चलाती है, जो कि लार्जेस्ट ग्रोअर है। किसकी? लार्जेस्ट ग्रोअर है कपास की। कपास का मतलब क्या होता है? जो रॉ कॉटन होता है उसकी कंट्री में, हमारी कंट्री में, ठीक है। AAPL का ना जो है फार्म है राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में है, और दैट इज आउट ऑफ फोर्थ आउट ऑफ द 8 टॉप कॉटन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ऑफ द कंट्री। इन सब में इसका लैंड है, तो हमारे लिए कोई काम का था नहीं ये पैराग्राफ। आइए सेकंड पैराग्राफ कहते हैं, क्या कहता है, मिस्टर अटवल ऑल्सो ओन्स अ कपल ऑफ कॉटन मिल्स विच कंज्यूम हाफ ऑफ द कपास ड्यूरिंग द फार्म ओन्ड बाय AAPL, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस स्पिंडल्स ऑफ थ्रेड्स ऑफ अ वाइड वैरायटी एंड हाई क्वालिटी। मोर देन 145,000 स्पिंडल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड वेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ईच मंथ इन द बोथ कॉटन मिल्स। किसी काम का नहीं हमारे लिए ये पैराग्राफ। अब मतलब ये वाला पॉइंट, अ पार्ट ऑफ दीज स्पिंडल्स आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एंड द रेस्ट आर स्पेंट टू द अटवल फैब्रिक एंड फैशन लिमिटेड, ठीक है भाई। द रेस्ट ऑफ द कपास इज सोल्ड इन द डेजिग्नेटेड ओपन मार्केट मंडी फॉर मार्केटिंग ऑफ कपास। अब देखना ये जो हमारा मार्केट में मंडी में बिकता है, मिस्टर अटवल जो है वो एक तो फार्मर भी की कैपेसिटी में भी है, क्योंकि और दूसरा वो रिप्रेजेंटेटिव भी है AAPL के, इज अ मेंबर ऑफ कपास किसान यूनियन, ठीक है, कपास किसान यूनियन के मेंबर भी हैं। विच इन नो वेज ट्राइज टू लिमिट कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेल और प्राइस ऑफ गुड्स इन ट्रेड, बट द यूनियन हैज़ अ चार्टर इन मेमोरेंडम फॉर्म साइंड बाय ऑल द मेंबर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द। मतलब वो कहीं से भी लिमिट नहीं करता, कहीं से भी वो जो है कंट्रोल नहीं करता, किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं करता किसी भी प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल्स और प्राइजेस को, जो इनका पूरा का पूरा यूनियन है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या होता है, AFFL जो है वो इक्विप्ड है विद द लार्जेस्ट लेटेस्ट प्लांट एंड मशीनरी apart from access to upgraded technology supported by standardized SOPs and hence it is capable of producing वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द ब्रांड्स ऑफ द फैब्रिक यूज्ड इन द मॉडर्न वेयर्स, AFL क्या है और किसी चीज़ों में भी लगा हुआ है, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाता है एज अ ब्रांड SS विच डील्स इन प्रोड्यूसिंग फैब्रिक ऑफ दस्तार हो गया, हिजाब हो गया, साफा हो गया, पगड़ी हो गया, द ब्रांड रिमेंस, मतलब ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं जो हमारा रॉ कॉटन होता है उससे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अटवल इंटरनेशनल फैब्रिक एक्सपोर्ट लिमिटेड अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया इज अ सब्सिडियरी ऑफ AFFL, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बुकिंग ऑर्डर्स एक्सपोर्टिंग मटीरियल एंड एंश्योरिंग, ये फालतू का है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन से लिंक कहता है, ईच ब्रांच ऑफिस ऑफिस इट्स एक्सपेंडिचर इटसेल्फ, सारे के सारे ब्रांच ऑफिस जो है ना अटवल और इसके AIFL के, वो सारे के सारे खर्चे खुद ही उठाते हैं, ठीक है। मैनेजिंग रिटेल आउटलेट्स ओन्ड बाय इट एट इट्स रिस्पेक्टिव लोकेशन एंड डिपेंड्स ऑन AIFL फॉर शॉर्टफॉल, ठीक है, जितना भी शॉर्टफॉल होता है वो जो है ये दोनों कंपनी मिलकर बेयर करती है अपने ब्रांचेस का। अब यहाँ पर क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया और AFL के जो एक ब्रांच है टोरंटो में कनाडा में, ठीक है, टोरंटो कनाडा में, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसको कुछ पैसे चाहिए, 4.6 करोड़ रुपीज़ चाहिए फ्रॉम AIFL टू मीट द रेकरिंग एक्सपेंडिचर रेकर करने के लिए, ठीक है। तो AIFL ने क्या सोचा है कि वो EEFC अकाउंट से वो पैसा रेमिट करना चाहता है, ठीक है, और उसको इस बात पर डाउट है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब मिला जुला के जो ये AIFL है वो कुछ पैसा रेमिट करना चाहता है अपने ब्रांच ऑफिस के एक्सपेंस के लिए EEFC अकाउंट से, तो फेमा के प्रोविजंस यहाँ पर लगेंगे और हम देखेंगे अगर नीचे क्वेश्चन हुआ तो इसके बारे में हम इसको भी डेल्ट कर लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि वो पैसा देना चाहता है EEFC अकाउंट से। आगे बढ़ते हैं, कहता है उसके बाद AFFL रिटेल्स द फैब्रिक आइदर इटसेल्फ थ्रू द रिटेल आउटलेट्स और थ्रू नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स हु ट्रेड इन अदर प्रोडक्ट्स टू एंड आर फ्री टू चूज फ्रॉम द रेंज ऑफ द फैब्रिक एंड गारमेंट्स ऑफर्ड बाय AFFL प्रोडक्ट्स टू
AFL डिपेंड अपॉन द डेमोग्राफी ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द ऑपरेशन बट अ कॉमन लिस्ट प्राइस इज मेंटेन बाय AFL फॉर ईच ऑफ द कंट्रीज टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन प्राइजेज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री. AFL हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद सच नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट इन अ मैनर एफोरसेड. किसी काम का नहीं है यहाँ तक, ठीक है. रिटेलर्स आर एक्सपेक्टेड नॉट टू वायलेट द लिस्ट प्राइस, ठीक है. AFL रियलाइजेज द फैक्ट दैट दे आर वेरी स्मॉल बट मैनी डोमेस्टिक प्लेयर्स इन द हिजाब सेगमेंट इन इंडिया एंड कस्टमर्स आर प्राइस सेंसिटिव, ठीक है. मतलब AFL ने ये पता लगा लिया कि कस्टमर जो है प्राइस सेंसिटिव है, ठीक है. मतलब अगर प्राइस कम होगा तो फटाफट से उनकी तरफ आ जाएंगे. द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रेगुलर एडिशन ऑफ जर्सी हिजाब इज 150, मतलब कॉस्ट वगैरह दे रखी है. उसके बाद AFL इज पास्ट, मैं आपको बता दूं AFL ने लास्ट में डिसाइड किया था कि वो सस्ते में बेचेगा, लेकिन AFL ने ना कॉस्ट से कम में नहीं बेचा था. तो यहां पर कॉम्पिटिशन एक्ट के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उसने क्या करा, AFL ने दिमाग लगाया कि जो हिजाब वगैरह होते हैं, वो जो हमारी पगड़ी वगैरह होते हैं, वो सस्ते में बेचेगा लेकिन कॉस्ट से कम में नहीं बेचेगा. और उसने इसकी वजह से क्या किया था, बहुत सारे प्लेयर्स को आउट कर दिया था यहां पर. मतलब एक तरीके से वो जो है हमारी डोमेस्टिक, जो हमारा कहते हैं ना, जिसको हम ये कहते हैं कि हमारे उसमें डोमिनेंट पोजीशन में आ जाना, वो डोमिनेंट पोजीशन में आ गया था, ठीक है. तो इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है. लेकिन एक बात याद रखना, उसने जो प्राइस सस्ता किया था अपने कॉस्ट से कम पे नहीं किया था, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रीडेटरी प्राइसिंग किया था उसने, ठीक है जी. मैंने आपको ये पैराग्राफ भी समझा दिया. इसके बाद क्या होता है, कहता है एज पर द ऑडिटेड, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. AFL की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया, उसका टर्नओवर देख लो कितना है, 5640 करोड़ है. उसकी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स कितनी है, उसकी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स कितनी है, आफ्टर डेप्रिसिएशन 1640 करोड़ है, इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट 90 करोड़, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट जो है 2420 करोड़ है, ठीक है. उसके बाद AFL ने जो है एक एक्विजिशन के लिए सोच रहा है, वो मर्जर एंड एक्विजिशन का सोच रहा है एक SFL कंपनी को, दैट इज स्टाइल फैब्रिक लिमिटेड को. जो SFL है उसका टर्नओवर 950 करोड़ का है, एंड उसकी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट SFL की जो है 340 करोड़ की, और उसकी फेयर मार्केट जो है 650 करोड़ का है, ठीक है. उसके अलावा आपको कुछ भी इसके अंदर ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि SFL की बैलेंस शीट की डिटेल्स गिवन है और यहाँ पर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल्स गिवन है AFL की, ठीक है. इसके बाद क्या होता है, फर्दर AFL इज कंसिडरिंग टू परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी. AFL जो है कंसिडर कर रहा है कि वो परचेज करना चाहता है प्लांट एंड मशीनरी, बट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ट्राइस्पन लिमिटेड विच इज अंडरगोइंग द CIRP इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ IBC. AFL इज, मतलब जिसका वो परचेज करना चाहता है, जिससे वो परचेज करना चाहता है प्लांट मशीनरी, उसका CIRP चल रहा है, ठीक है. AFL इज वेटिंग फॉर द रेजोल्यूशन प्लान, वो रेजोल्यूशन प्लान का वेट कर रहा है. बट ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में किसी काम की नहीं है. बट द मीन टाइम डिप्टी डायरेक्टर, जो हमारे ED होते हैं, जो हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होते हैं, उन्होंने सर्च एंड सीज कंडक्ट करी उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका IBC चल रहा था, ठीक है, ट्राइस्पन लिमिटेड का, ठीक है. अब क्या हुआ, यहाँ पर प्रोसीडिंग करी और उसने क्या किया, प्रोविजनली अटैच कर ली प्रॉपर्टी को 180 डेज के लिए, ठीक है, पामला के तहत, इन ऑर्डर टू दिस. और उसके बाद इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है, उसका जो हमारा CA अनूप मित्तल, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था, उसने इस प्रोविजनल अटैचमेंट को अपोज किया और बोला कि मॉरिटोरियम चल रहा है, तो IBC के तहत जब मॉरिटोरियम चल रहा है तो आपके पास कोई पावर नहीं है ED के पास कि वो प्रोविजनली अटैच कर सके. तो ये एक केस लॉ भी था जिसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि जब IBC और पामला के बीच में लड़ाई होती है तो IBC जीतता है, क्योंकि IBC जो होता है वो जो है उससे बड़ा माना जाता है और उससे ग्रेटर माना जाता है. ये केस लॉ था जिसके अंदर ये फैसला भी दिया गया था, दैट इज मैसर्स PMT मशीन्स लिमिटेड वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. जब मैंने केस लॉ की वीडियो डाली थी वहां पर मैंने ये बात जो है पिन करके उसमें कमेंट बॉक्स में बताई भी थी कि इस वाले का फैसला आ चुका है, और उस फैसले में जो था ये बोला गया था कि IBC जो है गुड है और बड़ा है, ठीक है, तो IBC प्रिवेल करेगा, ठीक है. जबकि आप ICI का अगर केस लॉ वाला रजिस्टर पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो वहां पर जो जब ये केस लॉ डिस्कस कर रहा था तो ICI ने कंक्लूजन नहीं दिखा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसका कंक्लूजन यही था, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन अनदर केस पेंडिंग अगेंस्ट द प्रमोटर्स ऑफ द ट्राइस्पन लिमिटेड पास एन ऑर्डर इन राइटिंग कंफर्मिंग द अटैचमेंट ऑफ द पर्सनल प्रॉपर्टीज, ठीक है. ये भी हमारा किसी काम का नहीं है क्वेश्चन से. चलो स्टार्ट करते हैं MCQ के साथ. What shall be the legal validity of the order of attachment of private properties of the promoters of Trispan Limited involved in money laundering by the adjudicating authority? भाई अगर वो कर सकता है, अगर पहली बात तो यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया है कि क्या वो लीगल वैलिडिटी होगी, मतलब क्या adjudicating authority की लीगल वैलिडिटी होती है जब वो provisionally अटैच करता है. तो मैं आपको बता दूँ, provisionally अटैचमेंट वो 180 डेज के लिए कर सकता है. तो adjudicating authority जो होती है वो हमारी कन्फर्म कर सकती है अटैचमेंट वेल शी फॉर द इन्वेस्टिगेशन के टाइम तक, या अगर इन्वेस्टिगेशन पहले खत्म हो गया तो तब तक कितने दिन के लिए 180 डेज के लिए प्रोविजनली अटैच करी जा सकती है प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन नंबर 5. इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विद रिस्पेक्ट टू द रेमिटेंस ऑफ AIFEL टू मीट द रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ द कैनेडा. अच्छा हाँ, जो कैनेडा में ब्रांच था उसका जो खर्चा करना चाहता था वो EFC अकाउंट से, क्या वो कर सकता है? तो जब मैंने आपको फेमा के प्रोविजंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था, या आपने खुद से पढ़े होंगे, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि EFC अकाउंट से खर्चा उठाया जा सकता है. वैसे EFC अकाउंट होता क्या है? EFC अकाउंट वो अकाउंट होता है जो नॉन रेसिडेंट, जो नॉन
एक्सचेंज की अर्निंग होती है ना, जो हमारी NRE की अर्निंग्स होती हैं, नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज अर्निंग्स होती हैं, या फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कह सकते हो आप इसको, अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो होती है ना, उस जो आप उसको कमाते हो, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को कमाते हो, उसको जिस अकाउंट में मेंटेन करते हो, क्रेडिट किया जाता है, उसी को EFC अकाउंट कहा जाता है। और इस EFC अकाउंट से आप खर्चा दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर यही है, AIFEL कैन रेमिट एनी अमाउंट आउट ऑफ द फंड्स मेंटेन इन EFC अकाउंट। इसके बारे में मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि EFC अकाउंट से आप दे सकते हो, RBI के अधीन में आपने बना रखा है, उसमें अप्रूवल वगैरह की भी जरूरत नहीं होती, आप दे सकते हो पैसे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट हैज़ बीन AIFEL विद द नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स। मतलब AIFEL का किस टाइप का एग्रीमेंट है डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के साथ, तो मैंने आपको बता दिया था वहीं पर, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस है कि इतने प्राइस तक पे बेचा जाएगा, क्योंकि उसने प्राइस बताया था, जब मैंने ऊपर बताया था ना कि उसने प्राइस डिसाइड किया था, लेकिन ये याद रखना कॉस्ट से कम नहीं किया था उसने प्राइस, ठीक है। तो कौन सा एग्रीमेंट किया था, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस एग्रीमेंट किया था, ठीक है। अगला, whether the acquisition of control by in SFL by AIFEL can be termed as combination as per the provision of Competition Act। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी पे सबसे ज़्यादा डाउट आता है, ठीक है, कि क्या वो एक्विजिशन माना जाएगा और कॉम्बिनेशन माना जाएगा, सेक्शन नंबर 5 के तहत एप्लीकेशन फाइल होगी। तो अगर आप पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा पेज नंबर आपको देखना है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको कौन सा पेज नंबर देखना है, बहुत 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 ध्यान से सुनना, पेज नंबर 1.27 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जब आप देखोगे, तो वहाँ एक एग्जम्पशन है, जो एग्जम्पशन निकाली थी, वहाँ पर एग्जम्पशन निकाली गई थी, उस एग्जेम्पशन में ये बोला गया था कि जब भी, उस एग्जेम्पशन में क्या बोला गया था मैं आपको बताता हूं, जब भी हमारा टारगेट एंटरप्राइज जिसको हम खरीद रहे हैं, जिस एंटरप्राइज को हम खरीद रहे हैं, जिसका हम कंट्रोल ले रहे हैं, जिसके वोटिंग शेयर ले रहे हैं, या जिसका एसेट ले रहे हैं, उसका टर्नओवर अगर 1000 करोड़ से कम है, उसका टर्नओवर अगर 1000 करोड़ से कम है, या उसकी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट 350 करोड़ से कम है, उसकी एसेट्स की वैल्यू 350 करोड़ से कम है, तो उस केस में हमें जो है उसकी एप्लीकेशन, कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो अपन ने कौन सी SFL कंपनी थी जिसको अपन ने खरीदना था, SFL, ठीक है। तो SFL का 340 करोड़ है बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, और दूसरी बात टर्नओवर इसका 950 करोड़ है, तो वहाँ तो और वर्ड लिखा हुआ है, तो दोनों में से अगर एक भी पूरी होगी तो उसमें होगा, तो 950 करोड़, 340, तो इस केस में हमारे को कॉम्बिनेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है, ठीक है। तो नो, एज द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द कंपनी बीइंग एक्वायर्ड वाज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट, आपको एप्लीकेशन नहीं फाइल करनी है सेक्शन नंबर 5 के तहत। आपको फिर बोल रहा हूं, पेज नंबर 1.27 ऑफ द बुक अगर आप जाओगे, न्यू बुक जो May 2021 की है, वहां पर ये आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी लिखी हुई, दैट्स इट। इसके बाद, व्हाट शैल बी द लीगल वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द मूवेबल एसेट्स ऑफ द ट्राइस्पन लिमिटेड, एज्यूमिंग ट्राइस्पन लिमिटेड इज नॉट गोइंग। अगर ट्राइस्पन का IBC ना चल रहा होता तो प्रोविजनल अटैचमेंट हमारा वैलिड रहता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव में क्या कहा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, वेदर द अपील मूव्ड बाय CA अनूप मित्तल द अपॉइंटेड RP ऑफ ट्राइस्पन लिमिटेड इज टेनेबल, वेदर द एसेट्स सो प्रोविजनली अटैच शैल बी रिलीज और नॉट, एंड द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट विल प्रिवेल, प्रोवाइड योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट केस। इन्होंने लिखी दिया रेलेवेंट केस लॉ के बेसिस पे बताना है, तो आपको पेपर में करना क्या, कुछ नहीं, आपको केस लॉज के बुक लेके जानी है अपने साथ, और वहाँ पर फटाफट से उसको कोट कर देना है कि कौन से केस लॉज में था। तो मैंने आपको बताई दिया था ऑलरेडी, मैसर्स PMT मशीन एंड PMT मशीन प्राइवेट लिमिटेड एंड वर्सेज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उस केस लॉ में ये बोला गया था, और बोला गया था कि IBC जो होगा वो प्रिवेल करेगा, IBC दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 प्रिवेल करेगा, क्यों, क्योंकि वो गुड फेथ में होता है और वो वाइडर टर्म्स में रहता है, इसीलिए ये वाला प्रिवेल करेगा। ICA ने अपनी उसमें कंक्लूजन नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो आप प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है, आप भी लिख लीजिएगा अपनी बुक खोल के फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, वेदर द मोरेटोरियम चार्टर ऑफ कपास किसान यूनियन विच इज साइंड बाय ऑल द मेंबर्स देयर ऑफ कंसिडर एंटी कॉम्पिटेटिव, नहीं, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट में अगर हम जाएं सेक्शन नंबर 3 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ें, तो वहाँ लिखा होता है कि लिमिट करना प्रोडक्शन को या किसी तरीके का टाइप करना, वो सब चीज़ें तो यहाँ पर थी नहीं, क्योंकि वहाँ तो ऊपर ऑलरेडी मतलब ऊपर तो स्पेसिफिकली मेंशन था कि वो कहीं से भी कंट्रोल नहीं करते, किसी भी तरीके से वो रोकते नहीं है, मतलब जब हमने अभी पढ़ा था तो वहाँ लिखा हुआ था कि नो वे ऑफ ट्राइज टू लिमिट कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेल ऑफ गुड्स और ट्रेड, तो फिर तो ये एंटी कॉम्पिटेटिव हो ही नहीं सकता, तो सेक्शन नंबर 3 यहाँ पर आपको कोट करना होगा, और यही वाली लाइन आपको लिखनी होगी जो मैंने आपको ऊपर ले जाके दिखाई। 8th पॉइंट क्या कहता है, कैन AIFEL ऑपरेट फॉरेन एक्सचेंज, जो एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट है वो कर सकता है, व्हाट फैसिलिटी डज एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट प्रोवाइड प्राइमरली एंड विद हुम द सेम कैन बी ओपन एंड मेंटेन। भाई इसका आंसर मैं आपको यहाँ से रीड करवा देता हूँ, बहुत सिंपल है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे होते हैं, जो हमारे ऑथराइज डीलर होता है, फर्स्ट कैटेगरी के बैंक होते हैं, वहाँ पर आपको मेंटेन करना होता है। दूसरी बात, जो हमारा EFC अकाउंट होता है उसमें वो पैसा क्रेडिट किया जाता है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न्स किए जाते हैं वो पैसा उसमें क्रेडिट होता है। EFC अकाउंट जो होता है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स के लिए होता है, जिसका सारा जो भी पैसा वो फॉरेन एक्सचेंज में अर्न करते हैं उसे वहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाता है, और ये आपको AD1 जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 के रिलेटेड बैंक्स होते हैं वहां पर आपको मेंटेन करना होता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, और इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, बाहर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है, वेदर AIFEL
होल्ड्स डोमिनेंट पोजीशन इन द हिजाब सेगमेंट इन द गारमेंट मैन के, येस वो डोमिनेंट पोजीशन होल्ड कर रहा था क्योंकि उसके पास मार्केट शेयर अच्छा खासा था, उसके आते ही बहुत सारे लोग निकल लिए थे क्योंकि उसने अपने प्राइस को कम भी किया था, तो डोमिनेंट पोजीशन तो था। लेकिन उसने अब्यूज़ करा था क्या? कहीं से भी अपने अब्यूज़ नहीं करा था उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को किसी भी तरीके से। सेक्शन नंबर 4 आपको कोट करना है, उसने किसी भी तरीके से अब्यूज़ नहीं किया था क्योंकि उसने कोई नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग भी नहीं करी थी, कुछ भी गलत काम नहीं किया था। और अगला पॉइंट क्या कहता है, वेदर द प्राइस चार्ज बाय द एफएल प्रीडेटरी प्राइस था। मैंने ऊपर चीख चीख के आपको बताया कि जब तक वो कॉस्ट से कम ना हो उसे प्रीडेटरी प्राइस नहीं बोला जाएगा, तो उसने कॉस्ट से कम नहीं किया था तो वो प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं था। दैट्स इट, यहाँ पर हमारा केस स्टडी खत्म होता है। थैंक यू, बाय, शब खैर। इसके अलावा कोई और केस स्टडी जो आपको लगती हो, तो मेरे पास लिस्ट है, एक तो केस स्टडी नंबर 10 की है, केस स्टडी नंबर एक और है जो हमारा 26 है या 27 है आई गेस, और ऐसे 3-4 केस स्टडी हैं जिनकी लिस्ट है मेरे पास की जो बोला हुआ है डिस्कस करने के लिए, तो वो मैं तो डिस्कस करूंगा ही। उसके अलावा अगर आपको कोई और केस स्टडी आपको लगती है कि जिसमें आप अटके हो और आपने सॉल्व किया हो और आप चाहते हो कि एक बार डिस्कस कर लें हम मिलकर, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा ये केस स्टडी डाइजेस्ट का सीरीज़ पूरा खत्म हो जाएगा, जब मुझे लगेगा किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है किसी भी केस स्टडी डाइजेस्ट में, और बच्चों ने अपनी भरपूर प्रैक्टिस कर लिया, सबने अपनी भरपूर प्रैक्टिस कर लिया जितनी करनी चाहिए थी मैक्सिमम, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार नवंबर 20 का और जनवरी 21 का और नवंबर 19 का पेपर सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, दैट्स इट, बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।